हे गाइस, वेलकम बैक एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी, आलू और तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, जो हम रेगुलर रोज़ाना खाना बनाते हैं घर में, रेगुलर खाना उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है। और ये रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और राइस के साथ भी अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मसाला का प्रिपेरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर लहसुन, अदरक, जीरा, लाल मिर्च और प्याज लिया है। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में डाल के। अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है इसका। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मसाला अच्छे से पीस लिया है और एकदम फाइनली पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। तो चलिए अभी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसको इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे। आप फ्राई ना करें तो भी चलेगा, लेकिन फ्राई करके सब्ज़ी बनाने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका है आलू में और फ्राई भी हो चुका है। तो इसको निकाल लेते हैं अभी। और आलू निकालने के बाद मैं उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डालूँगी। उसमें डाल देंगे हम हल्दी, जीरा एक चम्मच, राई एक चम्मच और जो पिसा हुआ मसाला था उसको हम धीरे धीरे से डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ी सी मैं यहाँ पे देगी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। और अच्छे से मिला देंगे इसे और मीडियम फ्लेम पे करीब 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए गाइस, तेल ऊपर आना शुरू हो चुका है। और इस पॉइंट पर हम डालेंगे एक कटा हुआ टमाटो। आप चाहें तो टमाटो को प्यूरे करके भी डाल सकते हैं, रेडीमेड टमाटो प्यूरे जो आता है वो भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से टमाटो यूज़ करना चाहते हैं। तो टमाटो को हमें हल्का सा पकाना है और उसके बाद हम डाल देंगे हमारे फ्राइड पोटैटोस। आलू डालते ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा 1 कप जैसा पानी डाल देंगे और इसे ढक के करीब 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तेल भी ऊपर आ चुका है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और आलू भी ऑलमोस्ट पक ही चुका है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है इसमें से। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने तुरई लिया है। तुरई का जो छिलका है उसको मैंने निकाल दिया है और इसे भी मैं लंबाई के साइज़ में काट ली हूँ और इसको भी हम सब्ज़ी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। ये सब्ज़ी गाइस बहुत सिंपल है और अच्छा भी लगता है खाने के लिए। जो हमारा रेगुलर हम जो खाना बनाते हैं घर में, उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है। कम मसाला है और टेस्टी भी बनती है। तो सब्ज़ी को हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं तो ज़्यादा ग्रेवी रखिए, रोटी के साथ खा रहे हैं तो आप कम ग्रेवी रख सकते हैं। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं आज राइस के साथ खाने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखा है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और ढक के करीब 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए गाइस, हमारा सिंपल सी तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बना है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हालांकि सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे धनिया पत्ते से और हमारी तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।